जी क्या है? एक सब्जेक्ट है कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस, ठीक है, व्हाट इज कॉन्सियसनेस, और दूसरा है नॉनसेंस। नॉनसेंस का हिंदी उड़िया क्या है? नॉनसेंस। क्या है नॉनसेंस माने क्या? सेंस मतलब आपके जो सेंस पास, नहीं लगाता फिर वही बात हो गया, सेंस नहीं लगता बोलने से हो जाएगा क्या? मूर्ख हाँ, मूर्ख बोल सकते हो आप उसको, ऐसा शब्द लगा सकते हैं। जो दिमाग का प्रयोग नहीं हाँ, करता। दिमाग का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है, यहां तक भी ठीक है, और थोड़ा आगे और उसको देखो। मैंने किसी भी चीज को सेंस कर पाना या उसे हृदयंगम कर पाना, जी ठीक है। अभी देखो, योग निद्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हो योग निद्रा में? यू ड्राइव योर कॉन्सियसनेस थ्रू योर माइंड। आपको कहा जाता है इस उंगली को देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, नहीं, क्या देखो भाई, उसमें क्या है, सर्कुलेशन क्या है उसमें? अब आपका आंख बंद किए हो और कहा जाता है कि इसको देखो, क्या है इसमें उंगली में देखना। अब ऐसे ही विपासना कर रहे हो और आपको कहा जाता है कि संवेदनाओं को चलाओ, नाक के ऊपर ध्यान लगाओ, क्या देखना है नाक में? श्वास का मधुमेह। तो वो है कि वहां हो क्या रहा है। सिंपल सा बात है। अभी देखो, एक वर्ड सुनना इस्कॉन वालों का, कृष्ण कॉन्सियस। ऐसे ही तंत्रों तंत्र वालों का सुनना, काली कॉन्सियस, द कॉन्सियसनेस ऑफ मदर काली, द कॉन्सियसनेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ऐसे ही व्हाट इज आर्य समाज, द कॉन्सियसनेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड दैट ईश्वर। यू अंडरस्टैंड ना? नॉनसेंस, यू हैव नो कॉन्सियसनेस, चेतना का अभाव। देखो, हम यहां योग कर रहे हैं, दूसरा योग क्लास और हमारा योग क्लास में अंतर क्या है? मेरा क्लास बहुत स्लो है। क्यों स्लो है बोलता हूं, हर एक संवेदनाओं को देखो। विदाउट कॉन्सियसनेस प्रैक्टिस एनी आसना इज नथिंग बट ओनली अ फिजिकल एक्सरसाइज, बट यू प्रैक्टिस ऑल द आसनास विथ फुल कॉन्सियसनेस विद चेतना, देन दट इज योगा। मंत्र करते हो, ऐसे ऐसे लोग हैं लाखों मंत्र जप लेते हैं, प्रॉफिट क्या है? कुछ नहीं। इवन ओशो यहां तक भी कह दिए थे, इतना जाप, 35 साल जाप किया, क्या फायदा, तो माला फेंक के भाग गई बुढ़िया। नेचुरली अगर आप बिना मतलब का माला जपते हो, लाखों माला जप लो, 35 साल क्या, 100 साल भी जप लो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो कॉन्सियसनेस उसमें उस मंत्र के प्रत्येक अक्षर के ऊपर आपका चेतना सम्मिलित हो जाता है, तब वो मंत्र जीवित हो जाता है, जागृत हो जाता है। जी आप हवन करते हो, आर्य समाज का हवन करो, चाहे सनातनी हवन करो, चाहे अग्निहोत्र करो, कोई मतलब नहीं है अगर आप उसमें आपका कॉन्सियसनेस ऐड नहीं करते हो। व्हाट इज कराटे? यू जस्ट ड्राइव ए पंच, इट्स ए मैकेनिकल पंच, नथिंग। बट एक पंच में जब आपका चेतना मूव करने लगेगा, तो वो सामने वाला एक पंच में वहीं नहीं गिरेगा, 25 फुट दूर में जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर वो कॉन्सियस को ड्राइव करते हो। दिस इज द सीक्रेट ऑफ मार्शल आर्ट। आप देख लेना, 36 चैम्बर ऑफ वो मार्शल आर्ट में देख लेना, 36 चैम्बर ऑफ का मार्शल आर्ट ऐसा कुछ है। और मेरे जीवन का कई सारा अनुभव है इसके ऊपर, जिसको ठोका हूं एक, वो जिंदगी भर याद रखा है कि मार लगा कर, आज तक नहीं भूले हैं मेरा मार। जो जो खाएं, मिलते हैं हाथ मिला, अरे वो बाराबंकी स्टेडियम टूर्नामेंट में क्या मार मिला था सर, आज तक याद रखे हैं। सोचो, 22 साल पहले पंच लगा था और 22 साल के बाद मेरे को मिला तुरंत, अरे सर एक पंच, और हम गिर गए, और कैसा गिरा, पेड़ पेड़ काट के छोड़ देना सही से गिरता है, ऐसे ही गिर गया एक पंच। जो साक्षी हैं वो देखे हैं, मेरे जो दोस्त लोग, देयर इज द पावर ऑफ पंच। मैं बताऊंगा एक एक इंसिडेंट। तो आपको जब पूछता हूं कि भाई अनुभव क्या है, नॉनसेंस, नो अनुभव। एक दिन का साधना आपको कहां पहुंचा देगा, मतलब कहां हो गया? हम पशु हैं, अनुकूल चंद्र
एक बहुत बड़े गुरु हुए तुम्हारे बिहार का ही, देवघर। उनका पहला किताब छोटा सा है, पहला राष्ट्रांजा लिखते हैं कि हमारे अंदर एक जड़, एक भयंकर रक्त शोषक बादुड़ी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बादुड़ी को जो काला काला रात को उड़ते हैं, चमगादड़, वो हमारे अंदर बैठा है। वो जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, काम करने नहीं देता, आलस्य कर देता है, डंप बना देता है, वो जो आपको चेतना में, कॉन्शियस में, जागरूकता में से नीचे खींच लेता है, आप उसे माया शक्ति भी कह सकते हो। और मैं इसमें आपके जीवन का उन्नति नहीं होके, विकास नहीं होके, विनाश के पीछे जाने का पीछे वो भयंकर जो हमारे अंदर है। अब उसको अगर कॉन्शियस ऑफ दुर्गा देखोगे, दैट भैंसासुर, भैंसासुर, भैंस देखे हो चराते हुए, उनके ऊपर बैठे हो, मारा एक डंडा, कोई फर्क नहीं, क्यों? कॉन्शियस कम है, उसका दूध पियोगे अनकॉन्शियस नॉनसेंस बन जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो चेतना, जागृतता, वो आपके अंदर वो वीरता, पराक्रमता, वो दिव्य दृष्टि, वो शार्प माइंड वो नहीं बना पाता। इसलिए पागल होकर देसी गाय दूध दूध, देसी गाय दूध, पंचगव्य घृत चिल्ला रहे हैं हम लोग। मेडिटेशन में भी जब जाते हो ना, बहुत सारे संगठन, आध्यात्मिक संगठन, धार्मिक संगठन, आज पागल होके गाय, पूरी में भी एक दो संगठन, नाम नहीं लूंगा, वो अपना सारा क्रिया बढ़िया योग वोग छोड़ के गाय के पीछे पागल, क्यों जानते हो? क्योंकि आज अगर उड़ीसा के अंदर कोई ध्यान में बहुत ऊंचा उठा है तो वही लोग उठे हैं, और आके उनका भी ध्यान में एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन गया, ना कोई गुरु ना कोई चेला, ध्यान में कोई ऊपर नहीं उठ पा रहा है, वो समाधि स्थिति को नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण क्या है? इसी का कमी है, और वो बिना देसी गाय का दूध से संभव नहीं है, तो वो कॉन्शियसनेस का आवश्यकता है। और इसीलिए यहां पर जब आपको योग निद्रा कराता हूं, नाक में घी डालता हूं, हर दिन पूछता हूं, भाई कहां तक पहुंचे? मैं बोल देता आपको, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ऐसे ऐसे संवेदनाएं मिलेंगे, इतना मजा आएगा, इतना मजा कि मत बोलो, 10 बोतल दारू पीने का मजा, 10 बेसिया के पास जाने से भी बहुत मजा आपको प्राप्त होने वाला है। फिर आप क्या करोगे? आप अपने आप को संकल्प, अपने आप को विकल्प, आप अपने आप को कल्पना में डालोगे कि अरे मजा तो आने लगा है, हेलोसिनेशन में पड़ जाओगे, काल्पनिक मजा जिसको कहते हैं, फिर साधना जीरो हो जाएगा। आप अपने उंगली का अनुभव नहीं जानते, आप अपने पेट का अनुभव नहीं जानते, आप अपने सर का अनुभव नहीं जानते, आप अपने शरीर का अनुभव नहीं जानते, फिर मैं आपका मन और प्राण का अनुभव कहां से बताऊं? मैं चाहूं तो 1 मिनट में आपको प्राण का अनुभव और प्राण दर्शन करा सकता हूं, प्राण का स्वस्थ करवा सकता हूं, लेकिन क्या हो जाएगा? टिफिन कट।